दोबारा से एक दफा फिर सुन ले। जैसे कि सबसे पहले आप ऊपर बिस्मिल्ला लिखें, ठीक है? उसके बाद आपने लिखना है अपना नाम। अगर आप बिनते यानी लड़की हैं तो फिर बिनते लिखें, अगर लड़का है तो फिर बिन लिखें। उसके साथ अपनी वालदा का नाम, फिर लिखें आला उब, उसके बाद जिसको आप तलब कर रहे हैं, ठीक है ना, उसका नाम लिखें जिसके लिए पढ़ाई की जा रही है, उसका नाम लिखें। और अगर वो बिन है, लड़का है तो बिन लिखें, लड़की है तो बिनते लिखें, और उसके बाद जो है उसका नाम लिख के उस चार के अंदर आपने पढ़ाई करनी है। जब आप चार पे पढ़ाई करें, एक सुरख रंग का धागा लें, जैसे ऊन का धागा होता है, जैसे सुरख रंग की डोरी होती है या रिबन होता है, इस तरह आप ले लेना। एक अतर ले लेना है, अच्छा सा अतर हो, ठीक है, और पानी ले लेना है। अब आपने क्या करना है, इन चीजों पे आप पढ़ाई करेंगे। 786 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़ें, अव्वल आपके जोशी के साथ। जब आप सो भी आए तो जिसको आप तलब करना चाहते हैं, जिस तरह आपने उस नक्श के ऊपर लिखा है बिस्मिल्लाह पे, जो आपने जार के अंदर रखा है, जब आप नक्श लिखेंगे ना बिस्मिल्लाह का, उसके बाद उसको जार के अंदर रखें। अब जब आप चार के अंदर रख देंगे, फिर पढ़ाई करें बिस्मिल्लाह की, और फिर अब आप दूसरी पढ़ के जब आप सो भी आते हैं ना, मतलब 786 होगा तो 700 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़ी जाएगी। तो पहले जब फर्स्ट बिस्मिल्लाह पे सो आता है, 100 पे आके आपने जो है अपना नाम, अपनी वालदा का नाम, अला खूब उसका, उसकी वालदा का नाम लेना जिसको आप तलब कर रहे हैं, जिसके लिए मोहब्बत बढ़ाना चाहते हैं। उसके बाद आपने हर मतलब के सो के बाद इसी तरह नाम लेके और उस जार के अंदर फूंक मार दें, अतर जो है उसके ऊपर फूंक मार दें, जो रिबन डोरी या फिर आपने धागा लिया उस पर फूंक मार दें, ठीक है, फूंक मार के तो पास रख लें। इसी तरह जब आपके 786 मतलब पूरे हो जाए, अतर पे दम हो जाए, डोरी पे दम हो जाए, और शीशे के उस जार पे दम हो जाए जिसमें नक्श रखा है, ऊपर से उसको अच्छे से जो है बंद कर दें। जब आप उसको अच्छे से बंद करेंगे तो ऊपर उसको सील भी करते हैं, मतलब उसके ऊपर भी दम करते हैं, ठीक है। आप इसी तरह आपने 7 दिन करना है। 7 दिन के बाद आपने थोड़ा सा अतर जो है आपने उस जो जार के अंदर नक्श है उस पे डाल देना है, थोड़ा सा नक्श अपने जिस्म पे लगा लें और कपड़ों पे भी लगा लें अच्छे तरीके से, और डोरी का एक दरख्त के मतलब के फलदार दरख्त हो उसके ऊपर डोरी को बांध दें। जैसे जैसे डोरी हिलती जाएगी हवा में, उतना ही आपसे मोहब्बत बढ़ेगी, और अगर कोई भी आपसे दूर हो वो नसीब हो जाएगा, ठीक है। अब आपने जो आपने डोरी भी आपने कर ली और अतर भी कर ले, अब जार की बारी है। 7 दिन तक आपने ये पढ़ाई करके जार के ऊपर भी फूंक मार के सील कर देना। अब जार को आप किसी पाक जगह पे दफना भी सकते हैं, या ठंडी जगह पे, या धूप वाली जगह पे भी आप कर सकते हैं, या आपके मन से, और आप अपने पास भी रख सकते हैं, ठीक है, पानी में भी बहा सकते हैं। लेकिन पूरी कोशिश करें जब तक आपका आपसी मोहब्बत ना बढ़ जाए, और एक मतलब कि एक लाजवाब या जवाब जैसे ही होता है ना, बहुत तेजी से आपकी तरह मोहब्बत होती है, जब तक वो बुलंद ना हो जाए तो कभी भी जो जार है उसको जाया ना करें, ठीक है। और जब तक उस जार के अंदर नाम रहेगा तब तक कोई भी आपको जुदा नहीं कर सकता।